मेष राशि वालों ने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं बिठा रखी हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, पर दूसरों के प्रति अपने मन में अविश्वास भी बिठा रखा है, जो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जो आपको अपनों के करीब ले जा सकते हैं, और इसी के चलते घर परिवार की खुशियाँ भी बढ़ सकती हैं। इसी अच्छाई का पूरा फायदा उठा लें और अपने मन में अपनों के प्रति बनाई हुई घुटन को भी दूर कर दें। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? जब भी इंसान किसी के करीब आता है तो उसकी कमियां भी उजागर होनी शुरू हो जाती हैं। उन कमियों की वजह से आप लोगों की गलतियां ना निकालते चले जाएं। भरोसे की कमी हो जाए तो कोई भी रिश्ता नहीं चल पाता। पढ़ाई की दिशा में आपके प्रयास पहले से बने रहे हैं और अब आने वाले एक महीने में उसमें और चार चांद लग रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ती चली जा रही है। इसी मेहनत को बनाए रखने से आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे और बहुत कुछ कर भी पाएंगे। उपलब्धियों भरा समय है, इसका पूरा फायदा उठा लीजिए। कोई प्यार का रिश्ता आपकी सोच का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसके चलते अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करना होगा। लोगों के प्रति अविश्वास बिल्कुल ना पैदा करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई प्यार का रिश्ता भी कमजोर पड़ता चला जाएगा। वृषभ राशि वाले समझ लें कि सेहत को लेकर मन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। अगर जांच और इलाज में किसी भी तरह की कमी है तो उसे भी दूर करना होगा। सही जांच और इलाज हो जाए तो किसी भी बीमारी को संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए इस आने वाले एक महीने में? आपके अंदर प्रतिभा बहुत है, पर उसे इस्तेमाल करने में आपकी ओर से बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। किसी भी रुचि को या किसी भी अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केंद्रित रहना पड़ेगा। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? सही रूप से और कई चीज़ों में आप कोशिश भी कर रहे हैं, पर वो कोशिशें भी लगता है जैसे बिखरी पड़ी हैं। अगर खुद पर भरोसा ना बने तो नुकसान ही होता है, इसलिए अपने मन को विचलित करके आप कहीं अपना नुकसान ना करते चले जाएं। रिश्ते नातों की अच्छाई भरपूर है और ये आने वाले महीने में और भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपके अपने हर रूप से आपके साथ हैं और रिश्तों को बढ़ावा देने का सुंदर समय है। पढ़ाई की दिशा में आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे ताकि अपनी भी बात कह सकें और दूसरों की बात भी समझ सकें। इसी विचार विमर्श से कई तरह के अच्छे विकल्प भी निकलेंगे जो आपके मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर कर सकें। वैसे भी कोई भी घबराहट आपको परेशान नहीं कर पाएगी। राशिफल है अब हर रोज आपके साथ। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, जिस पर अगर कोई भी घबराहट, कोई भी परेशानी हो, हमें आप अपना सवाल भेजिए, rajbhal@timesgroup.com। इस पर आप हमें सवाल तो भेज ही सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। और याद रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में यानी प्रोग्राम के समापन से पहले भविष्य दर्पण भी खुलेगा किसी एक राशि के नाम, तो आप सबको लगातार रहना है हमारे साथ। हम कर लेते हैं अब सवाल की बात, और सवाल हमारे सामने आ रहा है अंकुश का। अंकुश, आपका सवाल हमारे सामने है, तो सबसे पहले आपकी कुंडली तैयार करते हैं। 18 अगस्त 1965 आगरा में इनका जन्म हुआ है, 10:38 पर सुबह। तो अंकुश जी मर्चेंट नेवी में हुआ करते थे सर, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण ऐसे थे कि इनको वो जॉब छोड़कर घर आना पड़ा। फिर इन्होंने डेयरी बिजनेस में इन्वेस्ट किया और काम करना शुरू किया, लेकिन जब से ये काम शुरू किया है पैसा पानी की तरह बह रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। क्या आप इनको बताना चाहेंगे, कब तक ये जो नुकसान भरा समय है ये इनको परेशान करता रहेगा? अंकुश जी, आपकी कुंडली है तुला लग्न की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतरदशा चल रही है केतु की, दिसंबर 2022 तक। 4 साल पहले आपने अपनी जॉब छोड़ के एक बिजनेस शुरू किया डेयरी का, और आपकी कुंडली के हिसाब से बिजनेस का योग जो है वो थोड़ा सा मध्यम है और ये समय भी बहुत मध्यम, तो दोनों ही बातें। लाभ के रूप में पैसा आप निकाल नहीं पा रहे और पैसा लगता चला जा रहा है, तो ऐसा तो कोई बिजनेस फायदेमंद होता नहीं जिसमें पैसा ही लगता चला जाए। और अगर आपकी कुंडली से देखूं तो एक बात और समझ में आती है कि आपकी कुंडली बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो कदम आपने आगे बढ़ा दिए उनको पीछे हटा लीजिए, कई बार ये संभव नहीं होता है, पर फिर भी इस बात को सीरियसली समझना होगा कि क्या आपको ये काम करना भी है। इसका पूरा आंकलन करना होगा और बहुत सूझबूझ के साथ
बहुत विनम्रता के साथ अंदर झांकने की जरूरत होती है, मनन करने की जरूरत होती है कि क्या सही रास्ते पे आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और अगर ऐसा है तो फिर कुछ और सच्चाइयां हैं ज़िंदगी की। 57 इयर्स की आपकी एज है, क्या इस समय आप क्या कोई जॉब मिल जाएगी? हो सकता है आपके फील्ड की जॉब मिल जाए, कोशिश करने वाली बात होती है जी। और अगर ऐसी कोशिश बने और ऐसा मन बने, ऐसा विचार बने, तो आने वाले 4 महीने में ऐसी जॉब भी आपको मिल सकती है। तो आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि चूंकि आपकी वजह से, आपकी फरमाइश, आपके प्यार की वजह से ही आज ये शो एक बार फिर से आपके सामने है और ये सालों पुराना साथ जुड़ा है टाइम्स नाउ नवभारत पर राशिफल प्रोग्राम के जरिए। तो आप अगर कोई भी राय हमें देना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, आप कोई ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो हम इस प्रोग्राम में शामिल करें, तो आप ईमेल आईडी जो हमने बताया है rajphal@timesgroup.com उस पर लिखकर या टेलीफोन करके आप हमें बता सकते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को इस शो में हम ज़रूर शामिल करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आकांक्षा पुरोहित, आपका सवाल हमारे सामने है। 6 मई 2001, 7:15 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। तो कुंडली है तैयार, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं आगे के लिए ज्योतिष गुरु की करियर में आगे किस तरफ बढ़ें। सोचती हैं कि बैंकिंग सेक्टर इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन क्या ये सोच सही है? आकांक्षा, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की 2023 तक। आपने कहा कि इस साल आपकी ग्रेजुएशन हो रही है और आप सोच रही हैं कि किस तरह का करियर, और बैंकिंग भी एक विचार मन में उभर रहा है। आपकी कुंडली के हिसाब से बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि ये जो फील्ड्स हैं फाइनेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। पर अहम बात क्या है कि आने वाले 6-8 महीने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, खुद को तैयार करना है। और 6-8 महीने के बाद 2023 में जो जॉब मिले उसे पहले ले लें, और आगे चल के फिर 3-3.5 साल, अब से 3-3.5 साल के बाद फिर एक मौका मिलेगा उसमें और सुधार लाने का। और इसका एक देखिए एक छुपा हुआ मतलब होता है। अगर आज से 6-8 महीने के बाद यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में अगर आप कोई जॉब ले लेती हैं तो वो अच्छी बात होगी, अगर उसको मिस कर जाती हैं तो फिर 3-3.5 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए ये जॉब लेना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भविष्यवाणी से ज़्यादा मार्गदर्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है ज्योतिष के माध्यम से। तो कई बार ज़िंदगी में बड़ी सफलता तक पहुँचने से पहले छोटी छोटी सफलताओं से ही हमें संतोष करना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते हैं तो जो मिल रहा होता है हम उसको भी नकार देते हैं। ये सही नहीं है। जिंदगी आपको छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलता की तरफ एक रास्ता दिखा रही होती है और हम उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर राशिफल आपके लिए मददगार बनता है। हर रोज हम आपको बताते हैं कि कैसे एक एक कदम तय करते हुए आप अपनी सफलता की मंजिल तक पहुँच सकते हैं, और ज़रूर पहुँचेंगे हमारे साथ, ये हमारा विश्वास है। अब हम बात मिथुन और कर्क आपकी करेंगे, तो देखते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं, उसके हिसाब से आपके अगला ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है। ये सूर्य की संक्रांति का खास एपिसोड है जिसमें हम अगले 1 महीने की सारी तैयारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ध्यान से। मिथुन राशि वालों को किसी प्यार के रिश्ते को संभाले रखना है तो मधुरता अपनानी होगी और अपनी बात इस रूप से कहनी होगी जो लोगों को समझ भी आ जाए और लोग उसकी सराहना भी कर पाए। किसी प्यार के रिश्ते को संभालना इस समय आसान नहीं है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? बढ़ते हुए खर्चों पर काबू पाना होगा क्योंकि उसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है और जिसकी वजह से आपका असंतोष भी बढ़ता चला जा रहा है। अपनी बचत को बनाने के लिए आपको ये आवश्यक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? फजूल खर्ची करते चले जाना ठीक नहीं है। ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपके पैसे की स्थिति पर किसी न किसी रूप से दबाव बनाता चला जाए। बिना सोचे समझे किए गए फैसले भी आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। रिश्तों की दिशा में आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं, आपकी मेहनत काम कर सकती है और बहुत सारी चुनौतियों को संभालने में मदद भी कर सकती है। जब अपनों का सहयोग बना रहे तो वैसे ही कोई कमी नहीं रह जाती। सेहत की ओर आपकी लापरवाही नजर आ रही है। किसी भी चीज़ की बहुतायत अच्छी नहीं होती, इसलिए अनुशासन में रहना होगा। खाने पीने से जुड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा।
कर्क राशि वाले समझ लें कि काम के प्रति आप समर्पित हैं और काम से लाभ भी मिल रहा है, पर घर परिवार में अपनों के प्रति भरोसा कम होता चला जा रहा है और यही इस समय की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि रिश्तों की अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो वही लोग जिन पर आप भरोसा नहीं कर रहे, वही लोग आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और धन लाभ भी बना हुआ है, इसलिए अच्छाई को अच्छाई के रूप से देखें और अपनों से तालमेल बढ़ा लें। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? किसी प्यार के रिश्ते को इतना बढ़ावा ना दें कि घर परिवार में अपनों के मन में आपके प्रति कोई शक की भावना बैठ जाए। वैसे भी रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई आपको गलत निगाहों से ना देखता चला जाए। अगर रिश्तों में अविश्वास बनेगा तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ेगा, इसलिए कैरियर को समझिए, काम और कारोबार को समझिए। मन उचाट हो जाए तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और इसलिए ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसा हर समस्या का हल नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जा रही है और आपकी बचत भी बढ़ रही है, इसी के चलते आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी नज़र आ रही है, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। पर कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक है, क्योंकि आपको अपनों का सहयोग हर तरह से मिला हुआ है। तो आपके अपने हर तरह से आपका साथ दे रहे हैं और हम भी आपके अपने ही हैं। हम भी हर रोज आपका साथ देते हैं राशिफल में, आपको बताते हैं कि आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है और उस रास्ते पर कैसे धीरे धीरे आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और कब दौड़ना है।